हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 22 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु टॉप्ड इन द ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग ऑफ 2020। हाल ही में जो ब्रांड्स टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर है वह कौन है? सो रिसेंटली HDFC बैंक हैज टॉप्ड इन द ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग ऑफ 2020 फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर। सो इस साल ये 7वीं बार दोबारा से इस रैंकिंग में टॉप पे रहे। नंबर 2 में इसमें LIC रहा, नंबर 3 पे रहा TCS एंड नंबर 4 पर रहा एयरटेल। अब HDFC ने इस रैंकिंग में टॉप किया है तो देखते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू HDFC। हाउसिंग डेवलपमेंट फंड्स कॉरपोरेशन, यह है इसकी फुल फॉर्म। बैंक लिमिटेड, ये एक इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन अगस्त 1994, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। श्यामाला गोपीनाथ इसके नॉन एक्सी चेयरमैन एंड शशिंद्र जगदीशन इसके करंट CEO और आदित्य पुरी जो अभी रिसेंटली अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं ये हैं इसके करंट MD एंड CEO। और आदित्य पुरी की बात की जाए तो अभी रिसेंटली इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 भी आदित्य पुरी को ही दिया गया और ये दिया गया था इनको बाई यूरो मनी के द्वारा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल। हाल में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? सो रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल। सो आसाम के अंदर सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और एज पर दिस स्कीम नया सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी अप टू 25% और 75 लाख। और अगर किसी पुराने सिनेमा हॉल की रिनोवेशन करनी होगी तो उनको दी जाएगी सब्सिडी ऑफ ₹25 लाख और फॉर ओपनिंग सिनेमा ओल्ड हॉल उनको दी जाएगी सब्सिडी ऑफ ₹75 लाख। अब आसाम में ये स्कीम लॉन्च की गई है तो देखते हैं आसाम से रिलेटेड फैक्ट्स। तो ये है मैप में रेड कलर में आसाम। कैपिटल है आसाम की दिसपुर। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जी यहाँ के 13th गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंदा सोनोवाल जो यहाँ के 14th चीफ मिनिस्टर हैं। तो आसाम में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, देन मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सेखाई नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क एंड औरंग नेशनल पार्क। तो कुछ करंट अफेयर जो अभी हमने पिछले एक दो महीने पढ़े हैं आसाम से रिलेटेड वो रिवाइज कर लेते हैं। एक तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था। देन दे लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल धनवंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसन। देन गोल्डन टाइगर्स वॉज सपोर्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी हमने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा तो यहाँ अभी कुछ टाइम पहले गोल्डन कलर का टाइगर स्पॉट किया गया था। देन आसाम ने अभी रिसेंटली बिल पास किए टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज साइट्स। देन नाउ रिसेंटली अनाउंस द सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल। सो अभी गुवाहाटी जो यहाँ की फेमस सिटी है आसाम की, तो यहाँ 65th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था अभी कुछ महीने पहले एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज इन द गुवाहाटी ऑफ आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर हरसिमरत कौर बादल्स रेजिग्नेशन। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद किस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो हरसिमरत कौर बादल अभी इन्हें कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया था, ये हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। और इनने रिज़ाइन क्यों किया? क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में 3 बिल्स पास हुए थे रिलेटेड टू द फार्म बिल्स। और इसमें ये जो बिल है इट सीक्स टू लिबरलाइज द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए ये बिल 3 बिल्स रिसेंटली पास किए गए। सो इनके अगेंस्ट में
जो हरसिमरत कौर बादल हैं, जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने रिज़ाइन किया। तो अब उनकी जगह जो नए मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो इस वक्त मेंबर ऑफ 17 लोकसभा एंड ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इनको अब ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्हीं को ये एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 9 सैटेलाइट्स इन द येलो सी फ्राम अ शिप। किस देश ने हाल ही में एक जहाज से पीले सागर में 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? सो रिसेंटली चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च 9 सैटेलाइट्स और इन्होंने ये लॉन्च किए फ्राम द येलो सी। अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, जो 9 सैटेलाइट्स हैं इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया और कौन सी जगह से लॉन्च किए गए। तो कंट्री तो है चाइना और लॉन्च किए गए थे फ्रॉम येलो सी। तो दोनों की लोकेशन देखते हैं मैप में। अब मैप में ये है इंडिया, तो ये तो है चाइना, यहाँ पे ये है नॉर्थ कोरिया और ये है यहाँ पे साउथ कोरिया। और ये वाला जो एरिया है चाइना और साउथ कोरिया के बिटवीन, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे है येलो सी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये है चाइना, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया और ये है यहाँ पे येलो सी। तो एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है यांगची रिवर, ये चाइना में ही है। और एशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है हुआंग ही, ये भी चाइना में है और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और ये जो हियांग ही है जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, इसी को येलो सी भी कहते हैं। और यहीं से ये जो 9 सैटेलाइट है चाइना की अभी लॉन्च किए गए। तो चाइना की बात की जाए, देखते हैं तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू चाइना जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, कैपिटल यहाँ की बीजिंग, प्रेजिडेंट यहाँ के ज़ाई जिनपिंग। तो अभी कुछ महीने पहले, पिछले एक दो महीने में जितने भी हमने करंट अफेयर्स चाइना से रिलेटेड पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इन्होंने लॉन्च किया था सैटेलाइट शिंग्योन 201 एंड 202, देन फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च किया था इसका नाम था तैनवान 1, देन 2-टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन दान हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द बैडमिंटन, देन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, ये चाइना ही है। देन अभी कुछ महीने पहले 19 साइंटिस्ट रिजाइंड एट ए टाइम, देन चाइना ने लॉन्च किया था 5th गोफन 9 सीरीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नाउ रिसेंटली लॉन्च 9 सैटेलाइट्स इन द येलो सी फ्रॉम द शिप। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं जो चाइना से जुड़े हुए हैं। तो 2021 के जो एशिया यूथ गेम्स हैं ये चाइना में होने वाली हैं, विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 ये भी चाइना में होने वाली हैं, एशियन पैरा गेम्स 2022 ये भी चाइना में होने वाली हैं। देन रिसेंटली न्यू डिजिटल करेंसी ये भी लॉन्च की गई थी चाइना और इसका नाम था DCEP। तो उसके अलावा चाइना और इंडिया के बिटवीन एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और उसका नाम है हैंड इन हैंड। तो ये अभी पिछले दिनों 2019 में हुई थी ये एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, और ये हुई थी इन उमराय कैंटोनमेंट मेघालय में। तो इतना आपको चाइना से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव टू एम्पावर 5 मिलियन स्टूडेंट्स बाई 2025 इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन छात्रों को शिक्षित बनाने के लिए सभी के लिए शिक्षा पहल शुरू की है? तो रिसेंटली बायजूस हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल टू एम्पावर 5 मिलियन स्टूडेंट्स बाय 2025 इन इंडिया। अब बायजू ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो बायजूस ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इट वॉज फाउंडेड इन 2011। फाउंडर है इसके बायजू रविंद्रन, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में और ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके शाहरुख खान, ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो हुई बायजूस की बात। देन अनअकैडमी, ये भी एक एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर भी है बेंगलोर कर्नाटका में। देन ड्रीम्स 11, तो ये करंट से रिलेटेड ही आपको याद रखना है। तो अभी जो IPL चल रहे हैं इनका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं IPL 2020 के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं ये ड्रीम 11 को अभी रिसेंटली मिले थे। देन गूगल, ये इट वॉज फाउंडेड इन 1998
और हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन द वर्ल्ड। सो जो गूगल का जो डाटा सेंटर है, ये लार्जेस्ट डाटा सेंटर है वर्ल्ड के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड स्टेट टीचर्स अवार्ड पॉलिसी 2020। किस राज्य सरकार ने टीचर्स राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द स्टेट टीचर्स अवार्ड पॉलिसी 2020। सो स्टेट के अंदर जो भी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टीचर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, स्टेट टीचर्स अवार्ड पॉलिसी 2020। और इसमें टू कैटेगरीज के अवार्ड दिए जाएंगे। कैटेगरी वन में जो अवार्ड होगा वो दिया जाएगा टू द प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स एंड पीजीटी ऑफ हाई स्कूल्स। और जो सेकंड कैटेगरी का अवार्ड होगा ये दिया जाएगा टू द प्राइमरी टीचर्स, देन हेड टीचर्स एंड टीजीटीज। और इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 29, 2020। अब हरियाणा में लॉन्च किया गया है, तो ये है मैप में रेड कलर में हरियाणा। तो हरियाणा स्टेटहुड मिला था इसको 1966 में। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़, जो पंजाब की भी कैपिटल है। गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। सो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है यहाँ की, एक तो है सुल्तान नेशनल पार्क एंड कैलेसर नेशनल पार्क, यह यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। देन कुछ करंट अफेयर्स हरियाणा से रिलेटेड उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो किसान मित्र स्कीम लॉन्च की गई थी हरियाणा में, देन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जिसका नाम था समाधान से विकास, और ये लॉन्च की गई थी फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स फॉर द रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज। तो ये स्कीम समाधान से विकास ये भी लॉन्च की गई थी हरियाणा में। देन बॉटल्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च किया गया था हरियाणा। देन ई सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, देन वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया था। सो नाउ रिसेंटली हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द स्टेट टीचर्स अवार्ड पॉलिसी 2020। सो इतना आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखना है फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च द न्यू गोल्ड लोन स्कीम विकास लंघु सुवर्णा। किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्णा शुरू की है? तो रिसेंटली कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू गोल्ड लोन स्कीम जिसका नाम है विकास लघु स्वर्णा। और इसमें जो कस्टमर्स हैं उनको दिया जाएगा लोन एट द इंटरेस्ट एज लो एज 7.5%, और यह दिया जाएगा टू द कस्टमर्स हु रिक्वायर्ड इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। अब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सो ये एक इंडियन रीजनल रूरल बैंक है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाई कनारा बैंक। इट वॉज फाउंडेड इन September 12, 2005। हेडक्वार्टर है इसका कर्नाटका में, धारवाड़ कर्नाटका। और पुट्टगांटी गोपी कृष्णा ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली सेट अप अ टास्क फोर्स ऑन वेजिटेरियन फूड। किसने हाल ही में शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स की स्थापना की है? तो रिसेंटली FSSAI हैज सेट अप अ टास्क फोर्स ऑन वेजिटेरियन फूड। और इसका काम क्या होगा? ये टास्क फोर्स जो भी वेजिटेरियन फूड होगी उसको टेस्ट करेगी एंड विल लुक इनटू द गाइडलाइंस एंड प्रोविजंस फॉर वेगन फूड्स इन द कंट्री। अब FSSAI ने लॉन्च किया है, तो देखते हैं FSSAI से रिलेटेड फैक्ट्स। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या है? इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी। इट वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 2011। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। रीता टियोटी इज द करंट चेयरपर्सन एंड अरुण सिंघल इज द करंट CEO ऑफ FSSAI। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज अनाउंस टू बी सेल्फ सफिशियंट इन इंडियाज फर्टिलाइजर सेक्टर बाई विच ईयर। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स DV संदना गौड़ा, ये हैं मिनिस्टर DV संदना गौड़ा, और इन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस की टू बी सेल्फ सफिशियंट इन इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर बाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $15 million loan agreement with Sugana Foods।
किस वित्तीय संस्थान ने सुगाना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज साइंड अ $15 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद सुगाना फूड्स। और ये किस लिए किया गया है? टू हेल्प एंड सस्टेन पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस एज वेल एज रूरल लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ड्यूरिंग COVID-19। सो अब ADB और सुगाना के बिटवीन ये एग्रीमेंट हुआ है, तो देखते हैं दोनों से रिलेटेड फैक्ट्स। सुगाना ये एक पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री है। इट वॉज फाउंडेड इन 1984। हेडक्वार्टर इसका कोयम्बटूर तमिलनाडु, और एस सुंदरराजन ये है इसके करंट चेयरमैन, और GB सुंदरराजन इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 19 दिसंबर 1966। प्रेजिडेंट इसके मोस्तसेगो असकावा, और हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपाइंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ विच वेजिटेबल्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ ऑनियंस। सो ऑनियंस की जितनी भी वेराइटीज़ हैं अब उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है। और ये किस लिए किया गया? अभी हम देखते हैं कि ऑनियंस के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो विद द एम एट इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी एंड चेकिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं ऑल वेराइटीज़ जो ऑनियन के जितने भी वेराइटीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए अब ये इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली फॉर विच यूनियन टेरिटरी अ रिलीफ पैकेज ऑफ 1,350 करोड़ हैज़ बिन अनाउंस्ड। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,350 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की गई है? सो इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ रिलीफ पैकेज ऑफ 1,350 करोड़ हैज़ बिन अनाउंस्ड रिसेंटली। और ये अनाउंसमेंट की थी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और ये किस लिए की गई है? अभी पिछले 13 मंथ से जो यहाँ का प्राइवेट सेक्टर है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 13 मंथ से यहाँ सारा सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में बंद पड़ा है। सो एज ए रिलीफ एंड रिवाइवल पैकेज फॉर द बिजनेस सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में ये अनाउंसमेंट हुई है, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मैप में ये है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ ये वाला हिस्सा ये है लद्दाख, ये अक्साई चीन जो इस वक्त लद्दाख के कब्जे में है, एंड ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारा यहाँ तक। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये पहले यहाँ गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब वो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। तो इस वक्त जो करंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। देन चीफ मिनिस्टर यहाँ वेकेंट है। देन चीफ सेक्रेटरी BV सुब्रमण्यम एंड चीफ जस्टिस यहाँ गीता मित्तल। सो कुछ करंट से रिलेटेड देखते हैं। राजेश ओसवाल ये ही बिकेम द फर्स्ट जज टू टेक ऑथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। देन यहाँ का स्टेट एनिमल है हंगुल, एंड स्टेट बर्ड यहाँ का ब्लैक नेक्ड क्रैन। और ये बर्ड की बात की जाए तो ये लद्दाख में पाया जाता है, इसलिए अब यहाँ का जो स्टेट बर्ड है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का भी आगे चेंज होने वाला है। देन स्टेट फ्लावर है लोटस, और स्टेट ट्री है यहाँ का चिनार। सो करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। पिछले 1-2 महीने से जो भी करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनके आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज पिछले 2-4 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड वो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ से रिज़ाइन किया है, अब यहाँ नए गवर्नर आए हैं, मैंने पीछे आपको बोल दिया। देन बायोडाइवर्सिटी काउंसिल टू डॉक्यूमेंट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी ये अभी पिछले महीने लॉन्च किया गया था। देन फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर चारू सिन्हा अपॉइंटेड एज द CRPF इंस्पेक्टर जनरल इन श्रीनगर। देन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर साफरान। देन साफरान को यहाँ GI टैग भी अभी कुछ महीने पहले मिला था। देन गुपका डिक्लेरेशन बाई J&K पोलिटिकल पार्टीज। देन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड SCERT ऑन द लाइन्स ऑफ NCERT। देन यहाँ जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली नोटिफाइड न्यू रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ न्यू रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आए हैं।
देन इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई। देन अभी रिसेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें एडिशन किया गया, पहले तो यहाँ थे इंग्लिश एंड उर्दू, तो इसमें 3 और लैंग्वेज ऐड की गई, कश्मीरी, हिंदी एंड डोगरी। तो अब यहाँ टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर। देन चिनहनी नाशरी टनल, इसको रीनेम किया गया श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। देन यहाँ पे स्पैरो पोर्टल, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। देन लॉन्च द जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रेवियंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम JK इग्राम्स, ये भी लॉन्च किया गया। देन यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च की गई। नाउ रिसेंटली रिलीफ पैकेज ऑफ 1,350 करोड़, ये भी अभी जम्मू एंड कश्मीर में अनाउंस किया गया। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं। तो ये इतना आपको जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड याद रखना है। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। आप देखते हैं कल के क्वेश्चंस। रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म एंड फिक्शन, सो ये लिखी है अरुंधति राय ने। देन ब्यूटी फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो अभी हमने पीछे पढ़ा वो है लोटस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया है, तो दोनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं तमाम स्टूडेंट्स के। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाइक एम्बुलेंस, तो बाइक एम्बुलेंस इसमें किसने लॉन्च की है। देन वुलर लैक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वुलर लैक जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी आपको पता है तो तमाम इंफॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। सो नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।